लाइक वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ ईजी एंड टेस्टी रेसिपी. डू लाइक अवर वीडियोज़, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ क्रिस्पी भिंडी. इसे सिंपल सा प्रोसेस है. मैंने यहाँ पे 400 ग्राम भिंडी ले लिया है मीडियम साइज़ की, और इसमें 4 कट्स लगा लिया है. ये है मीडियम साइज़ की भिंडी, तो फ्रंट पार्ट और एंड पार्ट कट कर ले. अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट कट कर लिया है और एंड पार्ट, और इसमें 4 कट्स लगा लें, ताकि जब हमारी भिंडी ऐसे कट लगाने से भिंडी थिन हो जाएगी, और जो हम बैटर बनाएंगे तो ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी होगी, और जब हम तलेंगे आई मीन डीप फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी. तो इसलिए हम 4 कट्स लगा लेंगे भिंडी में, और इसी प्रोसेस से सारी भिंडी कट कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है. इसी तरह सारी भिंडी कट कर लें. तो अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे राइस पाउडर 4 टेबलस्पून लिया है. ये मेजरिंग स्पून है. इसी स्पून से मैंने 4 टेबलस्पून राइस पाउडर यानी चावल का आटा ले लिया है, और बेसन 1.5 कप बेसन. अब देख सकते हैं ये मेजरिंग कप है, इसे मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया है, और कॉर्नफ्लावर 4 टीस्पून. आप देख सकते हैं ये भी मेजरिंग स्पून है, इसे मैंने 4 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है. गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं. अजवाइन 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, साल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून. अब प्रिपरेशन देख लेते हैं. तो एक बाउल ले लें, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दें. मैंने यहाँ पे पहला बेसन डाल दिया है, नेक्स्ट चावल का आटा यानी राइस पाउडर, कॉर्नफ्लावर यानी मक्खी का आटा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, अजवाइन है क्रस्ट की हुई है ये भी 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप टेस्ट के मुताबिक साल्ट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है, और 1 टेबलस्पून लेमन जूस, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा भिंडी में. और पानी ले लिया है मिक्स करने के लिए, मिक्स में यानी बैटर बनाने के लिए, और एक विस्क की मदद से यानी कोई स्पून्स के मदद से आप बैटर बना लें. थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर बना लें, बहुत सारा पानी मत डालें, क्योंकि जब हम बहुत सारा पानी डाल देते हैं तब तो हमारे बैटर में गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएगी यानी लम्स हो जाएंगे. तो बैटर बन गया है मैंने, प्लीज़ ट्राई करें विस्क ले लें, इससे बैटर जल्दी मिक्स हो जाएगा, और ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे आधा बैटर आधा बैटर प्लेट में निकाल लिया है. ये प्रोसेस आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है. तो मैंने यहाँ पे 2 पिंच फूड कलर डाल दिया है, और डालने के बाद इसको मिक्स कर ले जब तक कि फूड कलर अच्छी तरह मिक्स हो जाए बैटर में. मिक्स हो गया है, और मैंने पैन को हीट करने रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर, और हम यहाँ पे डीप फ्राई कर रहे हैं, इसलिए तेल डाल दीजिए पैन में, और मीडियम टू लो ही रखें,
फ्लेम चेंज मत करें, वो इसको हीट करने के लिए छोड़ दें। आप देख सकते हैं अब हम चेक करेंगे कि तेल गर्म हो गया है नहीं। जब हम बैटर पोर करेंगे तो ये बैटर ऊपर आ जाएगा, तो ये साइन है कि हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। तो भिंडी को भी डिवाइड कर ले दो पार्ट में, यानी दो हिस्से में डिवाइड कर ले। और जो बैटर हमने बनाया था, यानी जो कलर नहीं डाला था, सादा बैटर जो था, उसमें आधा पार्ट डाल दें, भिंडी का आधा पार्ट डाल दें, और एक फॉक या स्पून के हेल्प से भिंडी को अच्छी तरह मिक्स कर ले बैटर के साथ, जब तक कि ये जो बैटर है अच्छी तरह डिप हो जाए, भिंडी इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाए। जब आप डालेंगे भिंडी तो हाथ में थोड़ा तेल स्प्रेड कर ले, यानी ऑयल स्प्रेड कर ले, ताकि भिंडी हाथ को चिपके ना, स्टिक ना हो जाए। और एक एक भिंडी डाल दें, अब सारा भिंडी मत डाल दें क्योंकि एक दूसरे को चिपक जाएंगे, में स्टिक हो जाएंगे। तो भिंडी डाल दें, इसी तरह भिंडी डालकर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लें। मीडियम टू लो ही रखें, फ्लेम चेंज मत करें। जो कोई भी भिंडी ना खाता हो, यानी जिसे भिंडी पसंद नहीं है, तो आप इस तरह भी भिंडी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े लोग खाते नहीं हैं, तो इस तरह भी आप भिंडी सर्व कर सकते हैं। ये भिंडी फैट कंटेन नहीं करती। आप एक स्ट्रेनर के मदद से या कोई स्पून के मदद से इसको भिंडी को लिफ्ट कर लें, या कि जो ऊपर का हिस्सा है वो भी फ्राई हो जाए और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, और एक प्लेट में निकाल लें। इसी प्रोसेस से सारी भिंडी फ्राई कर लें, क्योंकि ये भिंडी फैट कंटेन नहीं करता, और इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के भी प्रेजेंट होती है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जो कोई भी भिंडी ना खाता हो, तो आप इस तरह एक क्रिस्पी भिंडी बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। आप एज ए स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और एज ए साइड डिश, मीन्स जो कोई भी आप पकोड़ा या कोई भी रेसिपी बनाते हैं, साइड डिश भी बहुत अच्छी लगती है, मीन्स खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी है। तो इसी तरह मैंने सारी भिंडी को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप मीडियम टू लो ही रखें, फ्लेम चेंज ना करें, क्योंकि आप जब हाई कर देते हैं तो भिंडी जल जाएगी, और लो भी मत करें, इसलिए क्रिस्पी ब्राउन होने तक भिंडी को फ्राई कर लें। तो भिंडी तैयार हो गई है, और जो बैटर में हमने कलर डाल दिया था, उसी बैटर में जो लेफ्ट ओवर थी भिंडी, आधी भिंडी जो इक्वल कर ली थी, वो सारी भिंडी डालकर इसको भी अच्छी तरह बैटर मिक्स कर ले, जब तक के ये बैटर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए भिंडी में। तो ये भी ऐसे ही प्रोसेस है, जब आप डालेंगे तो थोड़ा ऑयल हाथ पर स्प्रेड करके डाल दें, सारी भिंडी एक साथ मत डालें, क्योंकि एक दूसरे को स्टिक हो जाएगी, यानी चिपक जाएगी। तो एक स्ट्रेनर या स्पून के मदद से इसको लिफ्ट करते रहें, यानी टर्न करते रहें, ताकि ऊपर का जो पार्ट है वो भी क्रिस्पी हो जाए, यानी गोल्डन ब्राउन हो जाए ऑयल में। तो इसी तरह मैंने ग्रीन भिंडी, यानी ग्रीन कलर जो बनाया था, उसको भी इसी तरह फ्राई कर लिया है। आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और ये बच्चों की फेवरेट चीज़ हो जाएगी जब आप ऐसे बनाकर सर्व कर दें। तो आप देख सकते हैं भिंडी रेडी हो गई है। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें। क्विक सी रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।